जट ने आ चक लिया भी हुण ओह जट ओह करदा ओह करदा। जे असली जट नूं मिलना है तां पिंडां जाके देखो, जिहड़ा गीतां च जट दिखाया जांदा। मैं पहलां कलाकार दे तौर ते वी कहिंदा सी कि जिहड़ा गीतां च जट दिखाया जांदा मैनूं नाल लै चलो, खर्चा सारा मेरा है। मैं सिंगर वीरां नूं बेनती करदा कि जिहड़ा गीतां च जट दिखाउंदे मैनूं इह दस दिओ किहड़े पिंड रहिंदा ओह। ढकाऊ गाने जिहड़े जिहड़े प्रमोट करदे आ नशिआं नूं जां हथियारां नूं, उन्हां गाणिआं तों वी असीं सिंगरां नूं इह कहि रहे हां कि गुरेज करो। साडे कोले फुल्लां दे, फुलकारियां दे, चरखिआं दे, रांझिआं दे, हीरां दे, सोहणिआं सोहणिआं दे साडे कोल गीत हैगे ने। शहीद करतार सिंह सराभा जी नूं नतमस्तक होण आए हां, जिन्हां ने लिखिआ सी कि सेवा देश दी जिंदड़ी ए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। उन्हां दीआं इन्हां लाइनां नूं भगत सिंह जी भी हर वक्त अपने जेब दे विच बटुए च पा के रखदे सी। सो उन्हां शहीदां नूं नतमस्तक होण आए हां, क्योंकि जिहड़ी कौम शहीदां नूं भुल जांदी है ओह कौम खत्म हो जांदी है। सो साडे कोल तां पैर पैर ते शहीद ने, सो साडा फर्ज बणदा है, कोई आसान नहीं कर रहे, साडा फर्ज बणदा है कि इत्थे आ के असीं नतमस्तक होईए ते साडा देश जिहड़ा आज़ाद इन्हां ने करवाया, ते मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी अहुदे बणदे ने ए इन्हां दी बदौलत है सारा कुछ, नहीं तो असी गुलाम मुल्क दे बछिंदे होना सी। सो 16 नवंबर अज शहीद करतार सिंह सराभा दा दिन है। दो वड्डियां अनाउंसमेंट्स ने, एक तो सारी फॉरमैलिटीज़ हो गई, केंद्र सरकार नाल सहमति हो गई, तो हलवारा दा जिहड़ा एयरपोर्ट है उन्हूं सिविल एयरपोर्ट बनाया जाऊगा। पंजाब सरकार पैसा खर्चूगी, 48 करोड़ 90 लाख रुपये की बिल्डिंग जी है टर्मीनल दी बनूगी, वो असी शुरू कर दिता गया। तो नंबर दो ते जिहड़ी जिहड़ा सराभा मार्ग है लुधियाने तो लेके इत्थे तक, वो अज टेंडर जिहड़े ने पा दिते गए ने, ते बड़ी जल्दी जिहड़ी ये सड़क जिहड़ी है ये बन के तैयार हो जूगी। दुख की गल यह है कि 75 साल हो गए आज़ादी नूं, अज तक असी शहीदां दे पिंडां तक सड़कां नहीं पहुँचा सके, सीवरेज नहीं पहुँचा सके, स्कूल नहीं पहुँचा सके। सो सारियां जिन्नियां भी 75 साल दे पताने बाणे ने जिहड़ियां उलझियां गंढां सी उन्हां नूं खोलांगे। लोकां दा साथ चाहिए, लोग इस गल्लों ही लोग खुश ने कि सानूं कोई मिलन तां आ गया, साडे कोल तां कोई आउंदा ही नहीं। सो लोग लावारस छड्ड दित्ते गए ने, सो असी निकले लोगों चो हाँ, इन्हां ने प्यार दिता तां असी इत्थे पहुंचे हाँ, नहीं ना कोई साडे कोल पैसा सी ना असी कोई गुंडागर्दी करदे हाँ। सो लोगों के विश्वास, लोगों ने जिहड़ा मेरे ते विश्वास किया उन्हूं मैं टुटन नहीं देना, वह विश्वास नूं मैं निभाऊंगा, चाहे कतरा कतरा खून का बहज देश वास्ते। सो इन शहीदां करके ही इत्थे असीं फिरदे हां, अज उन्हां नूं नतमस्तक होना है। शहीद करतार सिंह सराभे दे पिंड आए हैं, इतने बिक्रमजीत मजीठिए वर्गे दे नाम इतने बिक्रमजीत मजीठिए वर्गियां दे नाम ना लो, क्योंकि जिन्होंने जवानी चिट्टे च रोलती ना ये उन्होंने नाम ना लो कृपा करके। 19 साल का शहीद सीगा जिहदे नाल होर बहुत सारे चिणग लगेगी लोगों। सो इस करके थोड़े सवाल जिहड़े ने ना लोगों नाल रिलेटेड पुछे करो। हाँ जी हाँ जी, असी अमन कानून नूं पंजाब दी अमन कानून नूं कायम रखना है, पंजाब दा भाईचारा पहले ही कायम है बहुत, साढ़े च कोई त्रेड़ या दरार नहीं पा सकता। हाँ पिछले दिन ही कुछ छोटिया मोटिया घटनावां हुई, तो जे तुसीं यूपी नाल कंपेयर करो, जे तुसीं कंपेयर करो बिहार नाल, किते भी नहीं कुछ, बस ये तो बदनाम पंजाब नूं कर रहे ने। असी फिर भी प्रिकॉशनरी जिहड़े अटैम्प्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि जिहड़े पुराने हथियार ने वह किहदे कहण ते बने, उन्हां दे लाइसेंस चैक करांगे, जे किसी ते कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उहदा लाइसेंस कैंसल करांगे। ते नाल जिहड़े शादियां च गोलियां चलदियां ने बहुत सारी दुर्घटनावां हो जांदियां ने, इत्थों तक कि एक जगह ते तां लाड़े दी भी डैथ हो गई कि गोली इस तरह दी चली, कदे ऑर्केस्ट्रा वाली कोई कुड़ी दी डैथ हो गई, कदे किसी कलाकार वह गोली है उहदा रिफलैक्ट होकर पता नहीं किहदे वजूगी। सो खुशियां मनाउण दे साडे कोल होर बहुत तरीके ने, असी उह भी कीता कि ना करो इह गल। सो पब्लिक दे विच जिहड़ियां गोलियां चलाउणियां वह, ते भड़काऊ गाने जिहड़े जिहड़े प्रमोट करदे आ नशिआं नूं जां हथियारां नूं, उन्हां गाणिआं तों वी असीं सिंगरां नूं इह कहि रहे हां कि गुरेज करो। साडे कोले फुल्लां दे, फुलकारियां दे, चरखिआं दे, रांझिआं दे, हीरां दे, सोहणिआं सोहणिआं दे साडे कोल गीत हैगे ने, पर जरूरी नहीं कि असीं जट ने आ चक लिया भई हुण ओह जट ओह करदा ओह करदा। जे असली जट
ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਜੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਜੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਜੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੈਂਬਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂ ਜਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।